हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार चौहान और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया का जियो का सिम कार्ड किसी दूसरे देश में चलता है कि नहीं। तो दोस्तों, इस समय मैं सऊदी में हूं और 2 दिन पहले मैं इंडिया से अपने फ्रेंड से जियो का सिम कार्ड मंगाया था सऊदी में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा जियो का सिम कार्ड। तो दोस्तों, इसीलिए मैं मंगाया था कि पता करने के लिए कि क्या सऊदी में भी जियो का सिम कार्ड चलता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये नहीं, अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, दुबई हो गया, चाहे कतर हो गया, चाहे कुवैत हो गया, किसी भी देश में रह रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जियो का सिम कार्ड चलता है और कैसे चलता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जब मैं इंडिया से अपने फ्रेंड से जियो का जब सिम कार्ड सऊदी में मंगा रहा था, तो उससे पहले उनको मैं बता दिया था कि 1 साल के लिए इंटरनेशनल रोमिंग फ्री होता है। तो उसने, मेरे फ्रेंड ने 1 साल के लिए जियो का इंटरनेशनल रोमिंग फ्री करा दिए और 1 साल के लिए इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कराने के लिए दोस्तों 1200 रुपया उनको देना पड़ा दुकान वाले को। तो दुकान वाला 1 साल के लिए इंटरनेशनल जियो का रोमिंग फ्री कर दिया। फिर अपने फ्रेंड से मैं बोल दिया था कि आप क्या कीजिए, जियो का 50 का रिचार्ज करा लीजिएगा, जियो के अंदर 50 का लोकल बैलेंस करा लीजिएगा। तो उसने, मेरा फ्रेंड ने जियो का 50 का रिचार्ज करा लिए और फिर यहाँ पे मेरे को सऊदी में जियो का सिम कार्ड दिए। तो मैं मोबाइल के अंदर जैसे डाला तो फुल नेटवर्क जियो का पकड़ लिया। दोस्तों, जियो का नहीं पकड़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, उन लोगों का टावर होता है। तो यहाँ पे भी STC, सावा, जैन, जो भी मोबाइल का यहाँ पे टावर है सऊदी में, तो यहाँ पे जैन का जो है टावर मेरा पकड़ लिया जियो। मैं सेलेक्ट किया जैन, तो दोस्तों फुल नेटवर्क पकड़ लिया और फिर जियो के तरफ से SMS आने लगा, चालू होने लगा SMS आना। तो दोस्तों, जियो का सिम कार्ड आप इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कराइए और फिर आप किसी भी देश में चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आप तो सऊदी में रह रहे हैं और आपका जियो का सिम कार्ड चलता है कुवैत में, चाहे किसी दूसरे में चलता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं इरो को भी नहीं मालूम था। मैं पहले जियो का जो कंपनी में कस्टमर केयर में बात किया, सर बताइए कि क्या, कस्टमर केयर से मैं पूछा, सर बताइए क्या जियो का सिम कार्ड किसी दूसरे देश में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो कस्टमर केयर यही बताया कि आप 1 साल के लिए इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कराएंगे और आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा, फिर आपको किसी भी कंट्री में आप जियो का सिम कार्ड चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जियो का कस्टमर केयर में आप पूछ सकते हैं और आपको वहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 1 साल के बाद जियो का रोमिंग जो हम फ्री करा रहते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या जियो का सिम बंद हो जाएगा? दोस्तों, बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। फिर आप जहाँ पे किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, चाहे दुबई, चाहे किसी भी देश में रह रहे हैं, वहाँ से आप इंडिया से आप किसी को बोल देंगे कि आप मेरे इस जियो वाले नंबर से 1 साल के लिए इंटरनेशनल रोमिंग फ्री करा दीजिए, तो कर देगा, हो जाएगा आपका इंटरनेशनल रोमिंग फ्री हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अब मैं जियो का सिम कार्ड इंडिया से लेके आया और इंटरनेशनल रोमिंग नहीं फ्री कराया हूँ और चाहता हूँ कि वहाँ से किसी दूसरे देश से, चाहे मैं अभी देख लीजिए, मैं जियो का सिम कार्ड अगर मैं इंडिया से इंटरनेशनल रोमिंग नहीं फ्री कराया होता और मैं यहाँ से कराता इंटरनेशनल रोमिंग फ्री, तो दोस्तों नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों? एक बार आप इंडिया में जियो का नेटवर्क के जुड़े रहेंगे, फिर आपका इंटरनेशनल रोमिंग फ्री हो जाएगा। फिर आप कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग फ्री कराएंगे तो आपका इंटरनेशनल रोमिंग फ्री हो जाएगा और आपका जियो के नंबर पे जितने भी कॉल SMS चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जियो का सिम कार्ड चलता है। तो दोस्तों, यहीं पर करता हूँ वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी आएगी, घंटी को भी दबा दीजिएगा कि अगर आप मेरा YouTube पे कोई नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।